सुरक्षा के बीच भजनलाल सरकार के कार्यकाल की पहली बड़ी परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC की तरफ से 3 परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI की परीक्षा भी शामिल थी। RPSC की तीनों परीक्षाएं संपन्न। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेवल रहा। बिल्कुल बढ़िया सर, एकदम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम हुआ, बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई परीक्षाएं। मेरे को अच्छी उम्मीद है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। एहतियात के तौर पर बंद रहा इंटरनेट। इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिन 3 परीक्षाओं का आयोजन किया वो कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर के अंदर रहे, उसके बाद बाहर निकलते ही हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। पेपर अच्छे लेवल का था और करंट अफेयर्स का काफी अच्छा लेवल रहा और बाकी 50% के लगभग एवरेज भी था पेपर, बाकी बिल्कुल कर जाएंगे सर। अच्छा पेपर था, इकोनॉमिक रिव्यू वगैरह बढ़िया स्टैंडर्ड पेपर था, राजस्थान जनरल स्टडी। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा है, सामान्य औसत पेपर था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। जयपुर में परीक्षा के लिए बनाए गए 180 केंद्र, जहां दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक हुई परीक्षा। कोटा में इंटरनेट सेवा रही बंद। परीक्षा के दौरान अजमेर, जोधपुर में भी इंटरनेट बंद रहा। कोटा, बीकानेर में भी इंटरनेट को बंद रखा गया। भरतपुर में भी परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद रहा। इस परीक्षा में नकल को रोकने के लिए प्रभावी जो कार्रवाई है वो पहले से ही की गई और शाम को ही इंटरनेट सस्पेंड के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए। 11 बजे से 2 बजे तक संभाग मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह से बंद। राजस्थान में सभी 7 संभागों में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पहुँचे। कोटा की बात करें तो यहां कुल 64 केंद्र बनाए गए, जिन पर 21,147 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर 11 उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी समेत 750 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। हमारा राजस्थान RPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, जिसके अंदर लाइब्रेरियन और PTI का दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, करंट जी के बहुत अच्छा आया है और जिसने अच्छी तैयारी की है वो आराम से इस पेपर को निकाल सकता है। RPSC की परीक्षा को देखते हुए जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, वहीं राजस्थान रोडवेज ने खास इंतजाम किए। एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज ने मुफ्त सफर की व्यवस्था दी। बात अजमेर की करें तो यहां 78 परीक्षा केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पेपर दिया, जहां जिला प्रशासन के साथ RPSC की कड़ी नजर रही। कोटा में RPSC परीक्षा के लिए 64 केंद्र बनाए गए, जहां 21,147 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और PTI की परीक्षा हुई। RPSC के जरिए आयोजित परीक्षा के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 18,287 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बहरहाल प्रदेश भर के 602 परीक्षा केंद्र पर करीब 2,00,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो चुकी है, लेकिन RPSC के जरिए आयोजित की गई परीक्षा भजनलाल सरकार की भी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि चुनाव में सरकार ने जनता से वादा किया था कि बिना नकल के एग्जाम कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। और जिस तरीके से सरकार ने परीक्षा के दौरान नेट बंद किया, उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।